नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम मेटोर 350 की जानकारी देंगे आपको। तो चलते हैं शोरूम के अंदर और दिखाते हैं आपको मेटोर 350। तो दोस्तों, ये है मीटियोर 350। तो इसमें आपको तीन मॉडल देखने को मिल जाते हैं, फेयरबॉल, स्टेलियर, सुपरनोवो। ये पर्टिकुलर मॉडल फेयरबॉल है। इसमें आपको चार कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, ब्लू, मैट ग्रीन, रेड, येलो। ये पर्टिकुलर मॉडल मैट ग्रीन है। तो बात कर लेते हैं इसके फ्रंट से। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फ्रंट में आपको गोल लाइट देखने को मिलती है। इसके सराउंडिंग में DRS देखने को मिलते हैं। इंडिकेटर भी आपको गोल ही दिखाई देते हैं, क्योंकि नाम ही रॉयल इनफील्ड है, तो रॉयल गोल गोल। टेलीस्कोपिक सस्पेंस आते हैं फ्रंट में। ये डुअल ABS के साथ में आती है। फ्रंट डिस्क की बात करें तो 300 mm का फ्रंट डिस्क मिलता है आपको। और टायर साइज की बात करें तो फ्रंट की 190/19 के टायर देखने को मिल जाते हैं फ्रंट में। टैंक पे आपको रॉयल इनफील्ड की बैजिंग देखने को मिल जाती है। इसमें सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक एयर ऑयल कूल्ड इंजन देखने को मिलता है, जो कि 350 cc का है। पावर जनरेट करता है 20.4 PS की और टॉर्क जनरेट करता है 27 Nm की। यहाँ पर मीटोर 350 की बैजिंग। फुटरेस्टों पे भी आपको रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे रॉयल एनफील्ड की बैजिंग देखने को मिल जाती है। इंजन पे इसका एग्जॉस्ट फुल्ली मेटल में आता है, ब्लैक मेटल फिनिश में आता है इसका एग्जॉस्ट। रियर टायर की बात करें तो आपको 140/70/17 के टायर देखने को मिलते हैं। रियर डिस्क की बात करें तो 270 mm का डिस्क मिलता है रियर में। ये बैक लाइट है, फुली LED में है बैक लाइट। यहाँ पे नंबर प्लेट लगाने की जगह रिफ्लेक्टर नीचे, या आपको साइड गार्ड देखने को मिल जाता है। यहाँ पे मीटोर 350 की बैजिंग। साइड स्टैंड और मैन स्टैंड दोनों आते हैं इसमें। चेन, ओपन चेन मिलती है। ये 5-स्पीड गियर बॉक्स में साथ में आता है ये इंजन। पिलियन के लिए, ग्रैब करने के लिए हैंडल मिल जाते हैं पीछे। पिलियन के लिए बैक रेस्ट नहीं मिलता है, इसके अपर मॉडलों में मिलता है। टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 15 लीटर की टैंक कैपेसिटी मिल जाती है आपको। इस तरीके का ओपन होता है ये, फिर चाबी लगती है। लेफ्ट साइड के स्विचों की बात कर लेते हैं हम। ये लाइटिंग ये स्विच है, ये आई है जो जिसे आप मीटर को कंट्रोल कर सकते हो। राइट साइड के स्विचों की बात करें तो सेल अप है ऊपर, नीचे हजार्ड का स्विच। राउंड शेप में ही आपको मिरर मिलते हैं। ये मीटर है, दोबारा चालू करते हैं। ये जो डंडी ऊपर से नीचे जाती है तो ये काफ़ी अच्छा फील देती है। इसमें आपको बाइक से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। चाबी की बात कर लेते हैं, आपको इस तरीके की चाबी देखने को मिलती है रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 में। इस पर्टिकुलर मॉडल की प्राइस की बात करें तो अलवर में 2,01,000 की देखने को मिलती है, वो भी एक्स शोरूम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।